वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। इस मैच से पहले भारत ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 9 मुकाबले खेले हैं। 9 में से 9 मैचेस में टीम इंडिया को जीत मिली है, लेकिन इस मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए एक परेशानी वाली बात सामने आई है। इस बात के कारण टीम इंडिया के फैंस की चिंता भी बढ़ गई है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मैच में जो दो फील्ड एम्पायर्स हैं वो भारत के लिए अभी तक सबसे ज्यादा अनलकी साबित हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले में रोड टकर और रिचर्ड एलिंगवर्थ फील्ड एम्पायर्स हैं। ये दोनों फील्ड एम्पायर्स टीम इंडिया के लिए अनलकी साबित हुए हैं। 2019 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वहां पर भी सेमीफाइनल हुआ था, और इस मैच में भी रिचर्ड एलिंगवर्थ फील्ड एम्पायर थे, और टीम इंडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था। और इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी रनआउट हुए थे, और महेंद्र सिंह धोनी को रनआउट देने वाले रोड टकर थर्ड एम्पायर थे। इसके बाद वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ था। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मैच में भी रिचर्ड एलिंगवर्थ ही फील्ड एम्पायर थे। उस मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि रिचर्ड एलिंगवर्थ इस वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भी फील्ड एम्पायर थे। भारत को इस मैच में तो जीत मिली थी, लेकिन 2019 की हार को हम आसानी से नहीं भुला सकते। ऐसे में देखना यह होगा कि टीम इंडिया इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या जीत की लय इस सेमीफाइनल में भी बरकरार रहेगी। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और क्रिकेट जगत की तमाम खबरें जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।